नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन नेवी चेयरमैन सेकेंड न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे पोस्ट कितनी है, अप्लाई डेट कब होगा, छूट की और वैकेंसी डिटेल और सिलेबस और सैलरी के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है इसमें भी के बारे में बात करें। दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम इसमें बात करते हैं टोटल पोस्ट, तो टोटल पोस्ट हो गए इसमें 372। वहीं पर अप्लाई डेट 15 मई से 29 मई के बीच है। और फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू के लिए 278 रुपये और एसटी के लिए निःशुल्क है। एज की बात करें तो एज होगी काउंटी 18 से 25 वर्ष और जो कि 29 मई से 2023 तक काउंटर की जाएगी। और छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी के लिए 5 वर्ष की छूट है। वहीं पर रिटन सिलेबस की बात करें तो सीबीटी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और पेपर की बात कर ले तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। रीजनिंग में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ में भी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, जीए में 10 क्वेश्चन और रिलेटेड ट्रेड 50 क्वेश्चन। रिलेटेड ट्रेड मतलब जिस वैकेंसी में आप भरेंगे उसी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर सैलरी की बात करें तो सैलरी रहेगी 35,400 से स्टार्टिंग है, जिसमें से जाएगी 1,12,400 रुपये तक जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर की हम बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आप जिस वैकेंसी के हिसाब से जहाँ भरेंगे वहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर होगा। वहीं पर वैकेंसी डिटेल की हम बात करें तो पोस्ट नेम पोस्ट इलेक्ट्रीशियन फिल्टर की बात करें 42 सीटें हैं, इंजन फिल्टर की बात करें तो 46 सीटें हैं, प्लेटर की बात करें 28 और सुपर राइट की बात करें तो 23 सीटें हैं राइट है। वहीं पर ICI की फिटर की बात करें तो जिसमें से 22 सीटें हैं और मैकेनिस्ट की बात करें तो 22 सीटें इसमें भी है। और पिप फिटर की बात करें 21 सीटें हैं और वोल्डर की बात करें तो 21 सीटें इसमें भी है। और PPNC की बात करें तो 12 सीटें हैं और GT फिटर की बात करें तो इसमें भी 12 सीटें हैं। और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक फिटर की बात करें 11 सीटें हैं और रेडर फिटर की 11 सीटें हैं, जिसमें से मिले राइट की बात कर ले तो 10 सीटें है। दोस्तों देखिए दोस्तों आप क्या क्या पोस्ट और वैकेंसी हो सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप में हम बात करें ना तो इलेक्ट्रिकल फिटर का 42 पोस्ट है, जिसका मैंने बोर्ड पर बताया। अब वेपन ग्रुप में देख लीजिए, सबसे पहले वेपन ग्रुप में बात करें ना इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर का, तो ये दोस्तों आपका 11 पोस्ट है, गैरो फिटर का 5 पोस्ट है, रडार फिटर का आपका 7 पोस्ट है, ठीक है, रेडियो फिटर का 7 पोस्ट है और रडार फिटर का 11 पोस्ट है, सोनार फिटर का 6 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट आपका फिटर का 4 पोस्ट है, ये वैकेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कंप्यूटर फिटर की बात करें तो 7 पोस्ट हो गया, वेपन फिटर की अगर बात करें तो 8 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी दिया गया, ठीक है। आप देखो इंजीनियरिंग ग्रुप में अगर हम बात करें ना दोस्तों, वायरल आपका मेकर का 3 पोस्ट है, इंजन फिटर का सबसे ज्यादा पोस्ट में से एक 46 पोस्ट वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों फाउंडर का 2 हो गया, GT फिटर का 12 हो गया, आइस फिटर का 22 हो गया, पाइप फिटर का 21 हो गया, मैकेनिक का आपको 22 पोस्ट वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपका मैकेनिक कंट्रोल फिटर में 5 पोस्ट है, आपका रिफ्रिजरेटर एसी फिटर में आपका 8 है। अब देखो कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड में अगर बात करें तो अप्लाटर का 28 है, वेल्डर का 21 है, आरसी प्राइट का 23 पोस्ट हो गया, रेजर का आपका 9 पोस्ट है। अब देखो रिगर का अगर बात करें 5 पोस्ट हो गया, सी फिटर का 6 पोस्ट है, मिल राइट का 10 पोस्ट है, तो बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी सिविल वर्क का पाइप यहाँ पर देख सको, टोटल आपका 300। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।